मुझे देख के बहुत अच्छा फैशन लग रहा है। कौन सा कार्टून था वो? वो तो शूज पहन के जाना है बेटा। शूज पहन क्या होता है? शूज पहनी और ओए नई की कोई गुंजाइश नहीं है, उठाओ बॉटल उठाओ। तो आज बना रही हूँ मैं मटन, मटन के साथ में राइस बना रही हूँ, रोटी सोचूंगी अभी मुश्किल में। ये दोनों बच्चे शांत ऐसे बैठे हुए हैं जैसे कि पता नहीं कितने पढ़ाकू होंगे, ऐसे शांत बैठे। हाँ नहीं नहीं नीचे मत उतरो, अभी चप्पल नहीं है उधर, सॉक्स नहीं पहना आपने। हाँ हाँ चलो 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 टीनू। ये जो बिल्कुल इस समय हमने तस्वीरें देखी, ये फ्रेंच मार्चिंग कंटिंजेंट के साथ साथ फ्रेंच टीम लीडर को आपने देखा। तो आज यहाँ पे दोनों बच्चों को मैंने लगा दिया रिपब्लिक डे परेड देखने के लिए। क्या आ रहा है उशी? लॉर्ड मिशेल समाचार बोलो, हैप्पी रिपब्लिक डे। कौन सा रिपब्लिक डे? हैप्पी रिपब्लिक डे। पहले बोलो हैप्पी रिपब्लिक डे। Hey guys, welcome back to my channel. Hope you guys are doing extremely well. So, आज है रिपब्लिक डे। सो 75वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सो अभी सुबह सुबह मैंने दोनों बच्चों को बैठा दिया, रजाई से निकाल दिया कि भैया देख लो रिपब्लिक डे परेड हो रही है, हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं। बट चलो ठीक है, वो उनको देख रही हूँ, उनको इंटरेस्ट आ रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। तो अभी बस मैं कर रही हूँ नाश्ते की तैयारी, और नाश्ते में आज चीनू कह रहे हैं कि बर्गर बना दो। तो चीनू के लिए बर्गर, उत्सव बर्गर खाता नहीं, तो उत्सव के लिए मुझे बनाना पड़ेगा फ्रेंच फ्राइज। सो चलो हम लोग करते हैं नाश्ते की तैयारी, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं अपने रिपब्लिक डे की परेड। लो भाई तुम्हारा बर्गर, मुंह देखो, मुंह फ्राइज खा रहे हैं, देखो रुको इस पर कम में पानी भर के लाओ थोड़ा और। चुप हो जा पहले खा ले पानी पहले। तो बर्गर में भी पानी चाहिए तेरे को? मिर्च तो डाली नहीं मैंने उसमें, मेरे को एक ट्राई करना है ना अपना नया। हे भगवान, उसको परेशान खा लिया। अब जाओ टाइम हो गया तुम्हारा ट्यूशन का, चल भाई उसको छोड़कर आना। खाना नहीं आज भैया, सुबह तुमने दो बर्गर पे ले तो कोई खाना वाना नहीं बनाया। यार भूख लग रही है। हाँ आज ही भूख लग रही है, और जब खाना बना बना के रखती हूँ, हाँ जब खाना बना के रखती हूँ तब नहीं खाना होता। आज नहीं बनाया तो आज भूख लग रही है, नहीं बना आज खाना। 185 कैलोरी बंद कर दी। हाँ तो कर दियो, 185 कैलोरी कुछ भी नहीं होती है, गुड फॉर नथिंग। आज मैं ना ट्यूशन नहीं जाऊंगा। ट्यूशन तो तुझे जाना ही पड़ेगा। चल ओए नई की कोई गुंजाइश नहीं है, उठाओ बॉटल उठाओ। चीनू जा उसको छोड़ दे रहा हूँ, नहीं है कुछ आई नहीं, मैगी बना देती हूँ दे दो। जा उसको छोड़ कर रहा नहीं, आज तो तुझे भूख लगेगी लगेगी। जिस दिन खाना बना के रखो उस दिन खाना नहीं खाना, और जिस दिन नहीं खाना बनाते उस दिन तुम्हारी भूख और उजागर हो जाती है अंदर है। यही तो है, यही तो है। हे भगवान, इसका चिप्स और इसका नमकीन। हे हरि राम, हे हरि कृष्ण, हे गिरधारी। मम्मी फिर तो मम्मी फिर क्या होता है डायलॉग पूरा? हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ, आगे का मेरे को नहीं आया जा इसको। हाँ हाँ मैंने सुन लिया बेटा सुन लिया। दिमाग तोड़ रहा हूँ मैं। हाँ मैंने सुन लिया यार, ले चीनू उसको छोड़ कर फटाफट, चीनू उसको छोड़ कर भाई को। मैगी खानी है तो फिर उसको छोड़ कर, मैगी के लिए सारे काम करेगा, मैगी के लिए लड़का सारे काम करेगा, अदरवाइज कुछ नहीं। जाओ शीनो तमीज से लेके जा, तमीज से तो शूज पहन के जाना है बेटा। शूज सुना था, शूज क्या होता है? शूज कुछ ज्यादा ही लैब में चला गया टंग। जा उसको छोड़ कर, शूज पहनी उठी उत्तू <शूस। laughs>
दोपहर में मैंने खाना ही नहीं बनाया और मुझे लगा था मतलब 11:30 के आसपास हम लोगों ने बर्गर खाया था, तो मुझे लगा नहीं कि किसी को कोई भूख लगेगी। फिर बच्चे भी खेलने चले गए थे, अभी 4 बज रहे हैं और अब सब कह रहे हैं भूख भूख भूख। ये हमारे घर में मतलब है ही है ईश्वर, ये फैक्ट है ना, जिस दिन मैं खाना नहीं बनाती उस दिन सबको भूख लगती है, और जिस दिन खाना बना बना के रख देती हूँ उस दिन कोई खाना नहीं खाता, है कि नहीं? तुम्हें नहीं लग रही? चीनू मैगी बनाने के लिए बोल रहे हो, तुम्हें खानी है फिर चाय के साथ? खाने के लिए सब तैयार है, तो तुम वो ले आओ सामान अगर बनाना है शाम को, तो फटाफट बना लेती हूँ मैगी और थोड़ी सी चाय भी बना लेती हूँ, 4 तो बची गए हैं। एक मैगी देर से क्या क्या कुछ करवा लेती है ना, मैगी के चक्कर में तो क्या क्या कर लेता है। मैं पहले ना ये वाली बना रही थी, बट ये थोड़ी सी कम है, मतलब 3 के लिए होगी नहीं, ये बना दूँ शेजवान वाली, इसमें थोड़ी मिर्च ज्यादा होती है। अरे जो भी बनानी है बनाओ, पूरा फुल कटोरा दो मेरे को। मम्मी यहाँ पर बनाते हुए क्या बनाते हुए, ये शेजवान, ये शेजवान बनाते हुए चुमीन का चुमीन चुमीन क्या ज्यादा डालूगी, बहुत है ना, दो है, समझ में आई बात? एक केक बहुत है ना, नहीं दो, दो नहीं एक केक बहुत है, तो शाम को खाना नहीं खा पाऊंगा, खा पाऊंगा एक केक मेरे लिए एक तेरे लिए नहीं दो मेरे लिए, अरे बहुत ज्यादा हो जाएगा बेटा, फिर चाय भी तो है साथ में, चाय तो खैर हम खाएंगे पियेंगे। ठीक यार, इतनी देर से तो खेल रहा था नीचे, तब तेरे को भूख नहीं लग रही? अरे इतनी भूख लग रही थी कि मैं आपको खा जाने वाला था, फिर जब पापा ने आवाज दी तब आया तो भाग के, इतनी भूख लग रही थी मैं आप दोनों नहीं आ जाता, कुछ खेलता भी है, बैठा रहता है बेंच पे, खेला है पूरी 4 बार बैटिंग आई है, 4 बार बैटिंग आई है और वो भी एक में पढ़ाई भी, अभी तेरे को इतना अच्छा मौका मिला है 2 दिन का, और 2 दिन सैटरडे संडे मजा लो, जो पढ़ाई की कोई स्ट्रेटेजी बना ली, नो 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 नो, क्या काट रही यार इतनी गलत तरीके से, मसाला तो उधर गिर रहा है इसके ना, मसाले से बिल्कुल चिपके हुए हैं, तो चीज को काटने के लिए जगह नहीं मिल रही, डेली खाना मत बनाना। पालक की दपड़ी बनाने वाली थी, पालक लेके आई थी मैं कल, मैंने सोचा पालक की दपड़ी बनाने, अरे मेरा भाई ठीक है, सब कह रहा ऐसे देख के, वो बच्चा कह रहा कार्टून में बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा, तू कह रहा ऐसे उसे देख के कौन सा कार्टून था वो पोकेमोन था, हिंदी वर्जन, पागल ही हो तुम दोनों भाई, कार्टून एक नंबर के, आत्मा तृप्त मोटे वो मोटे भी नहीं हूँ यार, तेरे तो आत्मा कभी तृप्त नहीं होती बेटा, और आपने तुमने ज्यादा पकाया, तुझे तेरी प्रॉब्लम है बेटा, तुझे हमेशा दूसरे की थाली में रखा हुआ ज्यादा दिखाई देता है, ये मेरे इसमें ज्यादा है, ये ज्यादा है, देखो देखियो तू आधा खा चुका है बेटा उसमें से, इसलिए तुझे ज्यादा लग रहा है, इतना नाप लिया कर तू अगली बार से, मेजरमेंट टेबल आया कर किचन में, जब भी तेरी थाली में कुछ रखा जाए तो ओके, दूसरे की थाली में रखा हुआ ज्यादा नजर आता है, ये शेजवान वाले में टेस्ट ज्यादा अच्छा आता है ना, थोड़ा सा स्पाइसी ज्यादा होता है, चिली भी नहीं, चिली फ्लेक है कि नहीं है, हमें तो मैगी खानी है बस, क्या खानी है, मजा मसाला आता है वो ठीक है, क्या हो गया ये देखो ऑरेंज फोन निकल रहे थे, देखो इसकी हालत, किसकी हालत, पापा पापा वो देखो तुम्हें क्या कह रहा है, तुम्हारी हालत की ऑरेंज फोन नहीं चला रहे, ऐसे बात करते हैं पापा से, ठीक है चलो अंदर जाओ कमरे में जाओ, एक बात बताओ तेरे को पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है, नहीं क्यों, मुझे नहीं करना अच्छा, तो सारा दिन टीवी देखना है, क्यों आज के बाद मैं टीवी बंद नहीं कर रहा, मैं आज के बाद इस टीवी को उठा के फेंक दूंगी, इस टीवी को उठा के पैक करके मैं छत में रख के आ जाऊंगी, अब देखना दादू तुमको क्या करते, मैं इसको उठा के पैक करके छत में रख दूंगी, बताओ वरना मैं घर उठा के ना पेपर रख दूंगा, तभी तो नीचे नहीं उतर पाऊंगा, कोई ढंग का देख लिया कर ना, मेरा ढंग का नहीं देखना मुझे, अरे फाइनली आई थी ना, और मैं कभी नहीं आता, मैं टीवी बंद नहीं कर रहा, में आता है यूट्यूब में आता है, हाँ, ये सब पता है कौन सा किस में आता है, ऑरेंज फाइट, ऑरेंज आधा घंटा चलाऊंगी ठीक है, भाई आ जाएगा मैं बंद कर दूंगी टीवी, ठीक है
फिर आप पढ़ोगे बैठ के। वेलकम बैक गाइस। सो आज बन रहा है घर पे बहुत दिनों के बाद मटन। मतलब हम लोगों ने शायद कब बनाया था, शायद से पहले बनाया था घर में। वैसे तो हम लोगों ने बाहर से लेके खाया हुआ है बट घर पे नहीं बनाया मैंने, तो आज काफी टाइम के बाद मैं बना रही हूँ क्योंकि यशवंत ने बोला था कि बनाओ, तो सो बना रही हूँ। खैर, और यहाँ पे मेरा एक पार्सल भी आ चुका है जिसे मैंने खोल के देखा बट अभी मैंने उसको पैक नहीं किया। ये है विंटर्स कॉट सेट, देखना पड़ेगा, ट्राई करना पड़ेगा बट अभी मेरे पास टाइम नहीं है, आराम से बाद में ही ट्राई करूँगी। इसका एक शॉर्ट वीडियो भी डाल दूँगी मैं और ट्रायल का भी दिखा दूँगी मैं इसमें कैसा लग रहा है क्या। अगर पहले तो मुझे साइज़ का डाउट लग रहा है क्योंकि ये ओवर साइज़ लग रहा था मुझे देख के, ट्राई करना पड़ेगा। बाबूजी कब टीवी बंद होगा? चलो आप बंद करो टीवी। उशक हो गया बेटा, थोड़ी देर पढ़ाई करना होता है, सारा दिन आप टीवी देखोगे आंखें खराब हो जाएंगी आपकी। ये झूठे झूठे आंसू कैसे आते हैं तेरे? हैं? मुझे मारती हो। अच्छा, कब लगाया तुझे हाथ? हैं? कब लगाया तुझे हाथ? ना तुम मेरे सामने तो कहता तुम मुझे मारती हो, ये इसका एक अलग फंडा है। सो यहाँ पे मेरा मटन ऑलमोस्ट, मेरा नहीं मतलब मटन ऑलमोस्ट भुन चुका है। दो चार विसल लगानी है इसमें और उसके बाद मटन कुक हो जाएगा। राइस बनाना है या रोटी बनाना है मैं देखूंगी। वैसे तो का आटा है मेरे पास और ये कल रात को ना मैंने घी बनाया था, तो घी बनाने के बाद जो बच जाता है ना इसको मैं सोच रही हूँ आटे में गूंथूं। देखते हैं अभी क्या करती हूँ इसका। मूड़ा जम गया है। मूड़ा है आपके नाक में? हाँ, मूड़ा क्या होता है? सना दस्ता, आज मेरे नाक में ना मूड़ा जम गया है। आज ना मेरे नाक में मूड़ा जम गया, इसलिए मैं उंगली से बाहर नहीं निकाल पा। मत कर बेटा, ब्लड आ जाता है, नहीं करूँ। देखो यहाँ पर क्या हुआ। गंदी बात। सो गाइस, डिनर वगैरह सब हो चुका है और अब मैं वेट कर रही हूँ कि ये सो जाए, तो मुझे एक ऑयल प्रिपेयर करना है, तो मैं ऑयल बनाऊँ किचन में जाके। हाँ मम्मी, क्या अब हमारा लंच वंच हो चुका है? लंच डिनर खा चुके हो आप? डिनर खा चुके हो? लंच का टाइम है? हाँ ये सोए महाराज, तो मुझे एक ऑयल बनाना है, मैं ऑयल बना कर जाऊँ किचन में। आप मेरी आंखों में क्या ढूंढते रहते हो? क्या ढूंढते हो आप मेरी आंख में? आंख में मैं तो काजल ढूंढ रहा था। तो काजल लेके आप क्या, जब आपको मेरी आंख में काजल मिल जाएगा तो आप क्या करोगे? आप लगाओगे काजल? जब देखो मेरी आंख में ढूंढता रहता है आप काजल लगाओगे? सोजा मेरे बाप, सोजा क्या बोला? सो मुझे बाप बोला? हाँ सोजा मेरे बाप, सोजा।